Good morning students, welcome to your PBL class. In PBL today we'll learn our neighborhood. What is neighborhood? Neighborhood means aapka aas pados. Yes, jo bhi aapke aas paas hai usko kehte hain neighborhood. Neighborhood places agar maine bola to aapke aas paas jo bhi jagah hai wo aapka neighborhood places hai. Aur neighborhood neighbors maine bole तो जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं वो आपके नेबर्स होते हैं. सो नेबरहुड्स में क्या होता है, लेट्स लर्न. वी लिव इन अ नेबरहुड. माय फैमिली लिव्स इन एन एरिया वेयर अ नंबर ऑफ अदर फैमिलीज लिव. दे लिव क्वाइट क्लोज टू वेयर वी लिव. दे आर आवर नेबर्स. We have many things in common. For instance, we have a common market, post office, a park. We live together in a neighborhood. So neighborhood, we help each other and celebrate festivals together. My school friends belong to family living in my neighborhood. Neighborhood services. Neighborhood क्या होता है? जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं और जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं उनमें से कुछ आपके फ्रेंड्स हुए हैं और नहीं है तो नेबरहुड में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के फ्रेंडली नेचर से रहते हैं. आप लोग अपने नेबर्स के साथ मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के नेबरहुड्स में नेबर्स में कॉमन होती है. लाइक आपके नेबर और आपके आसपास जो भी प्लेसेस हैं वो कॉमन होते हैं. लाइक स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सारे प्लेसेस आपके आसपास होते हैं. इन्हें नेबरहुड प्लेसेस कहते हैं. सो ये प्लेसेस आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेट अस सी. मैनी प्लेसेस प्रोवाइड सर्विस टू पीपल टू लिविंग इन अ नेबरहुड. नेबरहुड सर्विसेज इंक्लूड आपके आसपास में जितनी भी जगह हैं वो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मतलब आपको कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं, कुछ आपकी हेल्प करते हैं आपके काम में. तो वो किस तरह की सर्विसेज आपको देते हैं, इसमें इंक्लूड्स हैं मार्केट, लोकल हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बस स्टॉप. लेट्स सी what सर्विसेज दे प्रोवाइड. अब देखते हैं कि ये जो प्लेसेस हैं अभी आपने जो देखा, मार्केट, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, तो ये हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम इनसे क्या काम कर सकते हैं. वी कैन बाय थिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम द मार्केट. हम मार्केट से चीज़ें खरीद सकते हैं जो हमें चाहिए. लाइक बुक्स, वेजिटेबल, ग्रॉसरी, स्टेशनरी, स्वीट्स and other things that we need. So, for ourselves and our home can be bought from the market. हम अपने लिए और अपने घर के लिए हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए, books, vegetables, सब्जियाँ, fruits और भी घर का कोई भी छोटा मोटा सामान, तो हम कहाँ से लेते हैं, market से. Then मार्केट के अलावा हमारे नियर बाय हैं लोकल हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम. लोकल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम में कौन वर्क करते हैं, डॉक्टर्स. सो डॉक्टर्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, वो हमें ट्रीट करते हैं. डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं जो कि हमें ट्रीट करते हैं. लोकल हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु ट्रीट अस, हु गिव्स अस मेडिसिंस. When we are not well, they gives us medicine and operate the patients. When needed, they make us get well. वो medicines देते हैं, patient कोई well नहीं है तो उन्हें treat करते हैं, operate करते हैं और उन्हें ठीक कर देते हैं. Next is post office. We can buy postcard, inland letters, stamps. From the post office, all the letters that we post and receive are collected at the post office.
before being sent to the place they are addressed to, we send the telegram and money order from the post office. So, post office से हम money transfer कर सकते हैं, अपने messages transfer कर सकते हैं, telegrams दे सकते हैं. अब लोग telegrams वगैरह इतना use नहीं करते हैं, लेकिन old days में when we don't have the phones, mobile, laptop, we use the post office services. मम्मा पापा के time पे जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम लोगों के पास इस तरह के मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तब हम लोग पोस्टल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. अभी भी यूज़ होती हैं बट अब ऑफिशियली रह गई हैं, पर्सनल लोग नहीं यूज़ करते, बहुत कम यूज़ करते हैं. नहीं तो पहले हमें कोई भी मैसेज किसी को देना होता था तो हम उन्हें लेटर लिखा करते थे. सो तब हम उनकी बात, हम उस लेटर को पोस्ट करते थे एक एनवलप के अंदर करके, सील करके उस पर पोस्टेज स्टैम्प लगा करती थी. देन उस पर हम एड्रेस मेंशन कर देते थे कि हम किस पर्सन को ये लेटर सेंड कर रहे हैं. तब हम उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करते थे, रेड कलर के लेटर बॉक्स में. देन वहाँ से पोस्टमैन निकाल के उसे सॉर्ट करके उस एरिया में पोस्ट करता था जिस एरिया का वो लेटर होता था. तब आपका मैसेज आपको जिस भी कंसर्न पर्सन को देना है वहाँ पहुँचता था. लेकिन अब सर्विसेज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप लोगों को कुछ भी मैसेज देना होता है, अगर वो आपके पास भी नहीं है, आप जस्ट फ़ोन उठाते हो, उन्हें वो मैसेज दे देते हैं. बट अभी भी अगर कई लोगों को जैसे कुछ पार्सल पोस्ट वगैरह करवाना है तो वो पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं. सो उस तरह की सर्विसेज के लिए ये यूज़ होता था जो आजकल अब नहीं देखने को मिलती हैं. तो कभी मम्मा पापा के साथ अगर टाइम मिले, ये कोरोना फिनिश हो जाए, तो एक बार पोस्ट ऑफिस विज़िट ज़रूर करके आना क्या चीज़ होती है. नेक्स्ट इज बैंक. वी कीप आर मनी इन द बैंक. सम पीपल ऑल्सो कीप देयर वैल्यूएबल सच एज ज्वेलरी एंड इम्पॉर्टेंट पेपर इन द बैंक. नेक्स्ट सर्विस हमें बैंक प्रोवाइड करता है. बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं. लेकिन अब बैंक सर्विस इतनी वाइड हो गई है, दे विल प्रोवाइड यू लॉकर फैसिलिटीज़ ऑल्सो. दे आर प्रोवाइडिंग यू लॉकर फैसिलिटीज़ नाउडेज. यू कैन कीप योर वैल्यूएबल थिंग्स लाइक ज्वेलरी या इम्पॉर्टेंट पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप घर पर नहीं रख सकते हैं, तो वो भी आप बैंक में रख सकते हैं. लॉकर फैसिलिटीज़ मिलती है बैंक से हमें. है नाउ अ डेज ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ATM मशीन्स आपने देखी है राइट. अनेबल अस टू डिपॉजिट मनी एंड विड्रॉ द मनी. अब जो ATM मशीन्स आ गई हैं हमारे यहाँ पे, उसको क्या है, आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो. सिर्फ पैसे निकालने के लिए नहीं, डालने के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हो. पहले पहले सिर्फ ATM मशीन से मनी सिर्फ विड्रॉ हुआ करते थे, बट nowadays यू कैन डिपॉजिट द मनी ऑल्सो. अगर बैंक क्लोज भी है इवन तब भी आप बैंक की सर्विस का यूज़ कर सकते हैं ATM के थ्रू, क्योंकि ATM 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करता है ना. नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन. पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन कीप आर नेबरहुड सेफ फ्रॉम रॉबर्स एंड बैड पीपल. पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन हमें सेफ रखते हैं हमारे नेबरहुड को, हमें भी रॉबर्स से और बैड पीपल से, चोरों से और गुंडों से, गूंज से, है ना. दे ऑल्सो मेक श्योर दैट सीनियर सिटीजन आर सेफ. वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं जो हमारे एरिया में सीनियर सिटीजन मीन्स बूढ़े लोग हैं, वो लोग भी सेफ रहें, उन्हें भी कोई को नुकसान ना पहुँचा पाए. देयर ऑफिस इज द पुलिस स्टेशन. पुलिस ऑफिस का ऑफिस होता है पुलिस स्टेशन. द पुलिस ऑफिसर मेंटेन द नेबरहुड लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस ऑफिसर मेंटेन करके रखते हैं आपके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सब कुछ अंडर कंट्रोल, कभी कोई किसी को परेशान ना करे, उसके लिए मेंटेन करके रखते हैं पीस. फायर स्टेशन. नेक्स्ट इज फायर स्टेशन. नेक्स्ट इज फायर स्टेशन.
Whenever there is a fire in the neighborhood, we call the fire station. जब भी आग लग जाती है तो हम फायर स्टेशन पे कॉल करके बुलाते हैं. द फायर मैन एट द फायर स्टेशन क्विकली कम एंड पुट आउट द फायर. फायर मैन जो है जब फायर स्टेशन में वर्क करते हैं वो फटाफट से आके आपके आग को बुझा देते हैं. दे आर स्पेशली बिजी ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन एंड ऑन दिवाली. ज़्यादातर वो वेडिंग सीजन और दिवाली पे बिजी रहते हैं. ड्यू टू व्हेन पीपल बर्स्ट फायर क्रैकर्स, जो लोग होते हैं वो फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं उस वजह से वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, पटाखे जो जलाते हैं उस वजह से. नेक्स्ट इज बस स्टॉप. वी गेट बसेस गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द बस स्टॉप. बस स्टॉप इज ऑल्सो योर नेबरहुड प्लेसेस. वहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाने के लिए बस सर्विस प्रोवाइड होती है. वी वेट फॉर आर बस अंडर द शेड एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे शेड होता है, वहाँ पे आप वेट करते हैं नेक्स्ट बस कब आएगी या आपकी बस कब आएगी. अ बोर्ड एट द बस स्टॉप विच हैज़ द बस नंबर एंड देयर टाइम रिटन ऑन इट हेल्प पीपल टू चूज द बस दे हैव टू कैच. बस स्टॉप पे बोर्ड लगा होता है जिस पे कि बस की डिटेल्स लिखी होती हैं कि बस कितने बजे आएगी और कौन से स्टेशन के लिए बस आएगी, सो दैट पीपल ईजली गेट देयर बस एंड यूज़ दैट बस सर्विस. नेक्स्ट इज स्कूल. सम नेबरहुड इवन हैव अ लोकल एंड अ नेबरहुड स्कूल. ये भी आपके नेबरहुड प्लेसेस में आता है. नेबरहुड प्लेस में आपके स्कूल भी आते हैं. कुछ बच्चों के नेबर्स में स्कूल भी होंगे. स्कूल क्या सर्विस प्रोवाइड करता है यू नो वेरी वेल. स्कूल से आप सीखते हैं पढ़ना लिखना, है ना, रीड राइट एंड प्लेइंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज मार्केट. द शॉप, द शॉप इन द मार्केट. मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं. डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड कराती हैं. वाई डोंट यू ड्रॉ अ बिजी मार्केट प्लेस एंड put in the following shops. different different shops कौन सी होती हैं? grocery shops हो गई, book store हो गया, the florist जो कि फूल बेचता है, the grocer shop sell daily needs such as eggs, milk, bread and butter. द ग्रीन ग्रॉसर, द ग्रॉसर शॉप में आपको डेली यूज़ का एग मिल्क ब्रेड बटर वगैरह मिल जाता है, राइट. और वेजिटेबल ग्रीन ग्रॉसर के पास आपको सब्जियाँ फ्रू आलू टमाटर जो भी आपको वेजिटेबल्स हैं वो आप उनसे ख़रीद सकते हैं. द केमिस्ट शॉप सेल्स मेडिसिन. केमिस्ट शॉप से आप मेडिसिंस ले सकते हैं. फ्रूट सेलर से आप फ्रूट्स ले सकते हैं. द फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स. सो ये डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं मार्केट की. द क्लोथिंग स्टोर सेल क्लोथ्स. क्लोथिंग स्टोर कपड़ों की दुकान से आप कपड़े ले सकते हैं, राइट. द बेकरी सेल्स केक पेस्ट्री एंड बिस्किट. ये मार्केट एरिया के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो बेकरी शॉप से आप केक ले सकते हैं, पेस्ट्री, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुकीज, इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स. अच्छा, उसके अलावा ये जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं जो कि आप इजीली डायल कर सकते हैं जब भी आपको नीड है. लाइक पुलिस स्टेशन इज़ 100. जब भी आप 100 नंबर डायल करेंगे तो आपका पुलिस स्टेशन में लगेगा कॉल. एम्बुलेंस सर्विस कभी आपको चाहिए तो यू कैन डायल 102 102. सो 102 डायल करेंगे तो आपको एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी. आप कॉल एम्बुलेंस सर्विस पे जाएगी. एंड द फायर स्टेशन नंबर इज 101 101. तो जब भी कभी आपके आसपास आग लग जाए और आपको नीड हो फायर स्टेशन कॉल करने की यू कैन डायल 101. सो यू कैन सी दैट लिविंग इन अ नेबरहुड इज अ गुड थिंग. अब आपने देखा नेबरहुड में रहना एक अच्छी बात है क्योंकि वहाँ आपको जो भी नीड है आपको सारी चीज़ें आपके आसपास मिल जाती हैं. डू एज वी गेट फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट एंड प्ले विद एंड सो मैनी
आप अपनी सर्विसेज विच आर गुड फॉर अस. लेट्स रिवाइज एंड रिमेंबर मेनी फैमिलीज लिविंग नियर ईच अदर फ्रॉम अ नेबरहुड. सो आपके नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो वो सब आपके नेबरहुड हैं. आप उनके साथ मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नेबरहुड आपको बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है बैंक, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल्स. सम नेबरहुड हैव ऑल्सो हैव अ नेबरहुड स्कूल. ओके, नाउ यू नो द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ योर नेबरहुड. नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंट क्लोथ्स, व्हाट दे वोर, किस टाइप के कपड़े वो पहनते हैं. अभी आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आपके नियर बाय. अब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लोग हैं जो वर्क करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. लाइक आप स्कूल जाते हैं, यू वोर यूनिफॉर्म्स, है ना, तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, दैट इज़ योर स्कूल यूनिफॉर्म. इसी तरह से और भी लोग हैं जो वर्क करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं. एज यू वोर डिफरेंट यूनिफॉर्म, एज यू वोर स्कूल यूनिफॉर्म, सेम डिफरेंट पर्सन्स हु आर वर्किंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, दे ऑल्सो वोर यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पीपल ईजली. यूनिफॉर्म जो होती है उससे हमें ईजली पता चल जाता है दैट पर्सन वेयर ही वर्क्स एंड वॉट ही वर्क्स, वॉट इज हिज वर्क. लाइक पुलिसमैन वोर हिज यूनिफॉर्म, इट इज अ खाकी कलर ड्रेस, लाइक ग्रेश टाइप, ब्राउन टाइप्स. सो दिस टाइप ऑफ ड्रेस यू ईजिली रिकग्नाइज ही इज अ पुलिसमैन. सो आपको पता चल जाता है ये एक पुलिसमैन है, पुलिस ऑफिसर है, एंड ये पुलिस स्टेशन में वर्क करते हैं, ये हमें थीफ से बचाते हैं, है ना. सो ये पुलिसमैन है, एक कांस्टेबल है, तो आपको पता लग जाता है उनकी ड्रेस से ही कि ऑफिसर कौन है एंड कांस्टेबल कौन है, कौन लोअर पार्ट में वर्क करते हैं, कौन से फील्ड में वर्क कर रहे हैं. दिस इज पोस्टमैन. पोस्टमैन वेयर दिस टाइप ऑफ यूनिफॉर्म. विद दिस यूनिफॉर्म यू कैन ईजिली रिकोगनाइज दिस इज अ पोस्टमैन. एंड दिस इज डॉक्टर, ही ऑल्सो वोर यूनिफॉर्म. विद दिस यूनिफॉर्म यू कैन ईजिली रिकोगनाइज ही इज अ डॉक्टर. डॉक्टर्स वोर वाइट कलर कोट एंड अ स्टेथोस्कोप इन हिज neck, on his neck. And this is nurse, she wore her dress and a cap, nurse cap. So isse aap easily recognize kar lete, she is a nurse. Like this, ye bhi nurse hai, inhone is side ki dress pehni hai, aap isse recognize kar lete ki ye nurse hai. Aur uniform, this is soldier. And shoulder wear this dark green type dress. This is called uniform. ये soldiers की uniform होती है. So आप देख रहे हैं किस तरह की uniforms हैं. Different different fields में work करने वाले person के different different uniforms होते हैं. He is a pilot. How did you know he is a pilot? Because of his uniform. आपकी uniform से, इसकी uniform से आपको पता लग पाया है कि ये एक pilot है. He is a firefighter, या fireman. So fireman की dress red color की होती है, ऊपर एक hat पहनते हैं वो like a helmet, and उनके हाथ में pipe है जो कि आग बुझाने के काम आती है. So ये इनकी uniform है. And then uniforms के अलावा भी कुछ और dresses होती हैं, that is your casual dresses जो आप डेली यूज में या ओकेजन्स पे पहनते हो. सो लाइक दिस साड़ी, सलवार कमीज, लाइक सलवार कमीज, फ्रॉक,
T-shirts, pajama. So ये आपने देखा different different types के clothes होते हैं, different different workplace के लिए, different different occasion के लिए. So different different type के clothes हमने पढ़े and different different places and different different clothes हमने आज सीखा. तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा हमारे आसपास जितना भी एरिया है, जो भी जगह है, जो भी प्लेसेस है, उन्हें कहते हैं नेबरहुड प्लेसेस. और वहाँ पे वर्क करने वाले लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. लाइक आप भी जब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, फेस्टिवल फंक्शंस में जाते हैं तो आप ब्यूटिफुल ड्रेसेस पहनते हैं, और जब आप घर पर रहते हैं तो आप डेली वेयर ड्रेसेस पहनते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जस्ट लर्न इट एंड गो थ्रू दिस वीडियो. और आपको और भी कोई डिफरेंट टाइप्स के आपको क्लोथ्स देखने को मिले हैं या यूनिफॉर्म देखने को मिले हैं तो यू कैन शेयर विद मी. टिल देन बाय बाय.